हेलो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाय क्यों पी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जो चाय नहीं पीते हैं। सुबह उठते ही चाय जरूरी होता है और शाम को चाय जरूरी होता है, पर कई लोग कभी भी चाय पीते हैं, नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद, शाम को, दोपहर, सुबह। पर दोस्तों, चाय पीना क्या सही है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, और है तो कितना चाय पी सकते हैं, और चाय हम क्यों पीते हैं? पहले तो आप ये समझिए, चाय में कैफीन की मात्रा होती है और कैफीन एक आदत है, एक नशीला पदार्थ होता है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, पर अच्छे रूप में नहीं। कैफीन कभी भी अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। कैफीन से कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारे शरीर में, खासकर एक प्रेग्नेंट महिला के लिए तो ये अच्छा होता ही नहीं है दोस्तों। जिसको आप तरोताजा होने के लिए पीती हैं, आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, आपके गर्भ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान क्या ये सही है? मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी कुछ आप खाते पीते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा आपके शिशु तक पहुँचता है। तो जब आप चाय पीती हैं तो कैफीन अपने शिशु को भी पिला रही होती हैं, यानी डोज दे रही होती हैं। कोई शराब पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, कोई जूस पीता है, कोई दूध पीता है, आपको भी पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जो पी रही हैं वही अपने शिशु को भी पिला रही हैं, चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। तो आपको क्या करना है? बदलाव तो तुरंत हो नहीं सकता, जो वर्षों से आदत लगी हुई है आप एकदम से कैसे छोड़ दें। पर दोस्तों, हम कुछ तो कर सकते हैं जिससे नुकसान कम हो, तो आइए जानते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होता, सिर्फ कैफीन और कैलरी होती है। कैफीन नशीला पदार्थ होता है और कैलरी आपकी बॉडी में फैट जमा करती है। इससे शिशु पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होता, यहाँ तक कि शिशु का विकास रुक जाता, उसका विकास प्रभावित होता। बहुत सी महिलाएं चाय के बिना नहीं रह पाती, लेकिन अगर आप गर्भ धारण कर चुकी हैं, आपके गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, तो आदत तो बदलना ही पड़ेगा दोस्तों। बार बार चाय पीना हानिकारक है। आपको क्या करना है? आपको कभी भी गर्भावस्था के दौरान ग्रीन टी, ब्लैक टी नहीं पीने चाहिए। अगर आप ज्यादा चाय पीती हैं तो इसको कम करें। अगर चार पीती थी तो दो पिए, दो पीती थी तो एक पिए, और एक पीती थी तो अगर नहीं भी पिएंगी तो चलेगा। ताजे फल का तो रस है, नारियल पानी है, जूस है, दूध है, छाछ है, इनको पिए, यह आपके शिशु के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपका शिशु स्वस्थ रहेगा गर्भ में। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, चाय पीने से कोई फायदे नहीं होते हैं, गर्भ के लिए नुकसानदेह ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, तुरंत आदत नहीं जाए तो थोड़ा दिन और लगाएं, खुद फर्क महसूस करेंगे। कई बार चाय पीने से पेट में गैस की समस्या हो जाती है, ऐसे भी आपका हार्मोनल बदलाव हमेशा होते रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चाय का अल्टरनेट जरूर आप कुछ निकालेंगी, क्योंकि चाय अच्छा नहीं होता गर्भ के लिए, नुकसानदेह होगा आपको। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।